प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपने हस्बैंड की गवाही बता रहे हैं कि 8 साल से नशा करता था, इंजेक्शन गलत जगह पे लगने के कारण हार्ट की नस डेड हो चुकी थी, वेंटिलेटर पर चला गया था, डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था, इनके मुंह में अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को डाला और आपके ऑनलाइन चर्च की प्रोफेसी को रिसीव किया, मृत जिंदा हो चुका। कितनी बड़ी गवाही है और ये भाई फील कर रहा होगा इस बात को कि सच में परमेश्वर है कि नहीं है, है कि नहीं, मैं कह रहा हूं है, अरे है कि नहीं, अरे बोलो ना 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 ना, मजा नहीं आया, है कि नहीं, ना 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 ना, लग नहीं रहा, बोलो है ना ना, बिहार की भाषा में बोलो है, कैसे बोलते हैं वो लोग, है कि नहीं, सुनेंगे गवाही सुनेंगे, शाबाश। पास्टर जी इंजेक्शन लेते थे, इनकी गलत नाड़ में लगने के कारण इनकी डेथ हो चुकी थी। इनको बता रही है कि गलत नशे करता था और गलत इंजेक्शन लगाने के कारण पहले हाथ सूख गया और फिर इसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में, फिर ऑनलाइन प्रार्थना करवाने के कारण इनके ऑनलाइन प्रेयर कराया और कह रहे कि परमेश्वर ने आजाद कर दिया, जिंदा कर दिया आपके सामने। मैं कह रहा हूँ ये इसका विश्वास है, कोई सिर पे हाथ नहीं रखा, कोई इसको कोई चीज नहीं दिया, अपने घर में बैठकर सुन रहा था। छोटी बात है कोई ये? इसका मतलब जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आज आपके काम भी जिंदा होने वाले हैं यीशु मसीह। आपको विश्वास करना, आपका यहाँ आना व्यर्थ नहीं है चर्च। मैं कह रहा हूं आप आशीष को रिलीज होते देखेंगे अपने सिर के ऊपर, आज स्वर्ग से वो आशीषें देने वाले स्वर्गदूत एंटर कर रहे हैं चर्च में, आमीन बोलकर आमीन रिसीव करो आज।